एलियंस का होना हमारे धरती के सबसे रोचक टॉपिक है, पर जब इसके बारे में बात करने की बात आती है तब किसी के पास एलियंस की प्रेजेंस के ऊपर सबूत नहीं होते। एलियंस किडनैपिंग की घटनाओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, पर आज की इस वीडियो में मैं आपको एलियंस द्वारा बनाई गई एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा जो कि आज से करीब 4000 साल पहले मौजूद थी, पर वैज्ञानिकों को इसे समझना बिल्कुल नामुमकिन था। पर 100 सालों की मेहनत के बाद उन्हें जो पता चला उसके बाद आप क्या कोई भी एलियंस की प्रेजेंस के ऊपर यकीन करेगा? कुछ भी हो जाए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए, इससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाएगी। तो चलिए इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। मई 17, 1902 आर्कियोलॉजिस्ट वैलेरियस स्टेस ने अपनी एक टीम के साथ ग्रीक आइलैंड के किनारे गोता लगाया, जहां उन्हें एक 2000 साल पुराने एक जहाज का मलबा मिला। यह एक रोमन व्यापारी जहाज था जिसमें बहुत सारे शराब के भंडार, बहुत सारी मूर्तियां और बहुत सारे एंटिक चीजें मौजूद थी जिन्हें रोमन साम्राज्य के लोग ग्रीक से चुरा कर ले जा रहे थे। गोताखोरों को बहुत सारी अजीब चीजें उस जहाज में देखने को मिली, पर सबसे अजीब चीज जो उन्हें दिखी वो एक बंद बक्सा था जो कि एक तिजोरी के अंदर बंद था, पर उस बक्से को खोलना आसान बात नहीं थी। पर बड़ी मेहनत के बाद वो उस बक्से को खोलने में सफल रहे और उसमें से एक ऐसा यंत्र निकला जिसने इतिहास के हमारे समझ को पूरी तरह से पलट कर रख दिया, जो एक ब्रॉन्ज से बना हुआ एक छोटा सा यंत्र था जिसका नाम एंटी की तरह मैकेनिज्म रखा गया, जो आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार 2000 साल पुराना था। यह एक फुल्ली फंक्शनल मशीन था जिसमें बहुत सारे गियर्स और स्विचेस लगे हुए थे और इसे आज से करीब 2100 साल पहले किसी अननोन साइंटिस्ट ने बनाया था। 2100 साल पहले इसे बनाना नामुमकिन दिख रहा था, इसलिए सभी वैज्ञानिक इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग गए कि यह चीज़ आखिर क्या करती है। करीब 100 सालों तक पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की, पर कोई भी इसे सॉल्व नहीं कर पाया। फिर इस मशीन को ग्रीस की राजधानी एथेंस में एक म्यूजियम में सजा कर रख दिया गया और यह चीज एक रहस्य बनकर रह गई। पर आज से 20 साल पहले तक हम इतने ज्यादा आधुनिक बन सके थे कि हम इस मशीन के पीछे के रहस्य को सुलझा सके। पूरे विश्व से अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से एक्सपर्ट इस मशीन की मिस्ट्री को सॉल्व करने में फिर से लग गए। लेकिन यह एक प्रॉब्लम थी, वो मशीन बहुत ज्यादा प्राचीन होने की वजह से इसे अलग अलग भागों में खोलना इम्पॉसिबल था। इसी कारण इसके अंदर देखने के लिए वैज्ञानिकों को एक खास तरह से बनाई हुई एक्सरे मशीन की जरूरत थी और ऐसा एकमात्र एक्सरे मशीन तब इंग्लैंड में मौजूद था जो कि इस मशीन से मतलब ग्रीस से बहुत ज़्यादा दूर था और उस मशीन को इंग्लैंड तक ले जाना इम्पॉसिबल था। इसलिए उस भारी भरकम एक्सरे मशीन को इंग्लैंड से ग्रीस लाया गया और उस मशीन का सही सलामत और बारीकी से एक्सरे निकाला गया और उससे जो वैज्ञानिकों को पता चला उसने पूरी साइंस को हिला कर रख दिया, क्योंकि उस मशीन में जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था वो आज से 2000 साल पहले बनाना इम्पॉसिबल था। इस मशीन के अंदर कुल 47 गियर्स थे और हर एक गियर एकदम सटीक तरीके से लगाया गया था और पूरी बारीकी से इसे बनाया गया था। यह मशीन और कुछ नहीं बल्कि इस दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर थी। जी हाँ, आपने सही सुना, यह एक 2000 साल पहले बनाई गई कंप्यूटर थी। जिसने भी इसे बनाया था वो अपने समय से बहुत ज़्यादा आधुनिक था। यह एंटी की तरह मशीन मून कैलेंडर को दिखाती थी जो हमारे चांद के ऊपर आधारित थी। यह मशीन अपने समय से बहुत ज़्यादा आधुनिक थी। मैकेनिकल इंजीनियर माइकल राइट ने एक्सरे डेटा की मदद से एक ऐसी डुप्लीकेट मशीन तैयार की जिसमें यह पता चला इस मशीन में बहुत सारे कांटे लगाए गए और इसमें हमारे सोलर सिस्टम को दिखाया है और तो और इसमें चांद और अन्य ग्रहों को पृथ्वी के अराउंड घूमते हुए दिखाया है। इस कैलेंडर को चांद के ऊपर आधारित बनाया गया था और ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट था कि आज की टेक्नोलॉजी भी इसे इतने माइन्यूट लेवल पर नहीं बना सकती। और एक खास बात यह है कि यह मशीन भविष्य में होने वाली किसी भी ग्रहण या फिर किसी भी अंतरिक्ष की घटना को एक्यूरेट डेट और टाइम के साथ प्रेडिक्ट कर सकती थी। और तो और यह मशीन ये भी बता सकती थी कि चंद्र ग्रहण किस कलर का होने वाला है।
मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया की सबसे पहली घड़ी की मैकेनिज्म 14 सेंचुरी में खोजी गई थी, जो कि एक कार के साइज की थी। पर यह मैकेनिज्म उससे 1500 साल पहले थी, पर यह उससे भी ज़्यादा आधुनिक थी। बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स का यह कहना था कि इस मशीन को एलियंस द्वारा बनाया गया था, क्योंकि यह तब के समय की बात थी जब लोगों को यह भी पता नहीं था कि पृथ्वी गोल होती है या नहीं। तो ऐसी चीज़ें उन्होंने कैसी बना ली, आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट जरूर कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिश्री टूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, इससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाएगी। वीडियो को खुलकर शेयर कीजिए। आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम मिश्री टूब 17। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।